साल 2002 से विभा की आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो गई। 2015 आते आते उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ही कम हो गई। इसके बाद विभा ने हिम्मत नहीं हारते हुए अपनी कला को दूसरों की ताकत बनाने का फैसला लिया। विभा का कहना है कि 2002 से अब तक 10,000 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को वो ट्रेंड कर चुकी हैं। इसमें से 3,000 से अधिक आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। इन 18 सालों में देखे तो 10,000 से ऊपर लोग सीख चुके होंगे, जो आज बहुत बड़े बड़े, जो आज शहरों में भी ऐसा त्रौलिया, बुरहलपुर, जैनपुर, कप्तानगंज, सब जगहों पर लोग अपना रोजगार करते हैं। दिव्यांग विभा को साल 2012 में यूपी सरकार की तरफ से कन्या शिक्षा और सुरक्षा के लिए मलाला पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2017 के विधानसभा चुनाव में विभा को जिले का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। खास बात यह है कि विभा मखानी के गणेश की मूर्ति बनाती हैं, जिसकी मांग देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो लोग आते हैं और अपनी अपनी मनपसंद की चीज़ें सीखते हैं। इंसान अगर जिद कर ले तो हालात बदलने में देर नहीं लगती, और इसे विभा ने बखूबी साबित भी कर दिया है।